क्या होता है हाइड्रोस्टैटिक फोर्स या फिर टोटल प्रेशर। अब इसको समझने का टोटल प्रेशर को तो ऐसा जैसे कोई समंदर है और उस समंदर में कोई सबमरीन जा रहा है नीचे से, तो अभी यहाँ पे उस सबमरीन के ऊपर पानी का एक पूरा कॉलम है जो उसके ऊपर एक फोर्स एक्ट करेगा, और उस कॉलम को, उस फोर्स जो एक्ट कर रहा है उसी को हम लोग बोलेंगे हाइड्रोस्टैटिक फोर्स या फिर टोटल प्रेशर। और इसको और अच्छे से भी समझने का तो ऐसा जैसे अपने पास एक पानी का टैंक है और वो पानी के टैंक में हम लोग ने अगर एक प्लेट को छोड़ दिया, तो अब वो क्योंकि उसके ऊपर वो प्लेट के ऊपर जो भी पानी का वेट है वो एक्ट करेगा, तो उसी को हम लोग बोलते हैं टोटल फोर्स या फिर हाइड्रोस्टैटिक फोर्स या फिर टोटल प्रेशर। इसका मतलब हाइड्रोस्टैटिक फोर्स और टोटल प्रेशर का फॉर्मूला अगर देखेंगे तो वो होता है कैपिटल एफ इज इक्वल टू रो जी इंटू एरिया इंटू एच बार, जहाँ पे रो जी होता है वेट डेंसिटी। इसका मतलब डिपेंड ये करता है कितना फोर्स एक्ट करेगा कि आप कौन से लिक्विड में वो एलिमेंट को डाल रहे हो या फिर सबमरीन को, सबमरीन क्योंकि नॉर्मल पानी से ज्यादा डेंसिटी रहती है समंदर के पानी की, तो सबमरीन पे जो फोर्स एक्ट करेगा वो ज्यादा रहेगा अगर वो नॉर्मल पानी में है कंपेयर टू अगर वो समंदर में, समंदर में फोर्स उस पर ज्यादा एक्ट करेगा। इसके लिए कई बार ये भी होता है कि सबमरीन को एक सर्टन डेप्थ के नीचे नहीं जाने दिया जाता है क्योंकि फोर्स इतना ज्यादा है कि वो सबमरीन को क्रश कर सकता है।